हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिफास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी, वो भी मिट्टी के बर्तन में। हमें चाहिए 2 कप बासमती राइस भिगे हुए, 1 केजी मटन, 3 टमाटर, 2 प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1 कप दही, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और काली मिली, बिरयानी एसेंस, 1 टेबल स्पून जीरा और शान बिरयानी मसाला। साथ ही साथ हमें चाहिए 3 आलू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी के बर्तन में डालेंगे 4 टेबलस्पून देसी घी और 4 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। आप देख सकते हैं हमारी प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भूनने के 3 से 4 मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे मटन और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे 5 से 6 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे शान का बिरयानी मसाला। आपको अगर बिरयानी मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, अच्छे से मिक्स करें। इसमें डालें 3 कप पानी, मिलाए और अब हम इसे पकाएंगे जब तक हमारा मटन हाफ़ कुक ना हो जाए। हमारा मटन हाफ़ कुक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू और इसे ढककर पकाएंगे जब तक आलू गल ना। अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे दही। हमारा बिरयानी का मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम बिरयानी राइस बनाएंगे। बिरयानी राइस के लिए मैंने 3 से 4 कप पानी लिया है। उसमें डाले हैं हमारे साबुत गरम मसाले, नमक, जीरा और अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी एसेंस। अब हम इसमें डालेंगे राइस और इसे 3/4 कुक कर लेंगे। हमारे बिरयानी राइस भी अब रेडी है। अब हम हमारी बिरयानी असेंबल करेंगे। हमारे मसाले पर राइस डालेंगे। बीच में हमने रखा है एक स्टील की कटोरी। हम डालेंगे फाइनली चॉप धनिया और पुदीना, बिलिस्ता और थोड़ा सा देसी घी। यहाँ हमने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून दूध और इसमें अब हम डालेंगे केसर। हमारी बिरयानी पर हम डालेंगे ज़ाफ़रान और दूध का मिक्सचर। अब हम इस कटोरी में डालेंगे जलता हुआ कोयला। अब हम कोयले पे डालेंगे घी और इसका लिड क्लोज़ कर देंगे। साइड पर हम लगाएंगे आटा सो डेट इसमें से जो स्मोक है वो बाहर ना निकल पाए और स्लो फ्लेम पर इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे या दम देंगे। हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं कि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले। थैंक यू।